পাশাপাশি তিনটি ছবি দেখতে পাচ্ছেন। একদিকে সংসদের ভেতরে আজ হইচই হলো, ফের দফায় দফায় মুলতবি হয়ে গেল লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন। পাশাপাশি সংসদের মকর গেটে যেখানে অবস্থান করছেন বিরোধী দলের সাংসদরা, এবং কিছুক্ষণ আগে আধ ঘন্টার জন্য তারা গান্ধী মূর্তির পাদদেশে অবস্থান করেন, ধর্ণা দেন এবং স্লোগান দেন। অধীর রঞ্জন চৌধুরী, তিনি কি জানালেন এই সাসপেন্ড হওয়া নিয়ে, শোনাবো আপনাদের। एक मामूली सी मांग थी हमारा कि अमित शाह जी सदन पे आए और एक बयान दे। उनके पूर्वजों लाल कृष्ण आडवाणी ने बयान दी थी, उनका भी मैंने हमारी तरफ से उनका भी नजीर हम पेश किए थे। सुनने के लिए तैयार नहीं है। टीवी में बोलेंगे, बाहर बोलेंगे, आप लोगों के बोलेंगे। अभी तो तोड़ोड़ मरोड़ करने की जो कारखाना है, उनको सही बात को गलत साबित करने की जो तोड़ोड़ मरोड़ करने की कारखाना है, उसमें सारे प्रोडक्शन हो रहे हैं और होते रहेंगे। लेकिन सच्चा को आप कैसे छुपाओगे, लोग देख चुके हैं। সামান্য একটা বিবৃতি দাবি করছেন বিরোধীরা, এমনটাই বলছেন না বিরোধী সাংসদরা। এবং যেমনটা শুনলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বক্তব্য, যদিও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী তিনি কিন্তু আজও সমালোচনা করেছেন, এবং যেভাবে প্রধানমন্ত্রীর ছবি নিয়ে কাটআউট নিয়ে বিরোধীরা সংসদের ভেতরে সরব হয়েছেন তার নিন্দা করেছেন তিনি। লোগোঁ নে এসে মাস্ক করকে মানে প্রধানমন্ত্রী জি কা ফটো লায়া হে, এ বহুত হি খণ্ডনার হে স্যার। আই স্ট্রংলি কন্ডেম দিস। জিন লোগোঁ কো जनता ने अभी अभी जो चुनाव हुआ इसमें इनका जो स्थिति क्या है उनको पता चल गया है। इनको जनता ने पूरा सबक सिखाया है। ये तो हारने का जो डेस्परेशन है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का ये फोटो मार्फ करके ऐसे अपमान कर रहे हैं। लोग इसको सबक सिखाया है। जो लोग हारे हैं चुनाव में, जो बुरी तरह से हार गए हैं, वो लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। ये जो जनता ने, भारत के जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व को स्वीकारा है, ऐसे व्यवहार करने से अभी जो इधर उधर चुन के आ रहा है दो तीन राज्य में, उधर उस राज्यों से भी इन लोगों को फेंक देते हैं सर। ये तो ये जो कर रहे हैं, ऐसे जो मार्फ और फोटो ला रहा है, ये तो मैं पूरा खंडन करता हूँ। पूरा सदन इसको खंडन करते हैं सर। तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ऐसे फोटो लाया है उन लोगों से कार्रवाई होना चाहिए। Thank you.